हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाएंगे बची हुई दाल से तो बढ़िया सी रेसिपीज़। सबसे पहले बनाएंगे ये परांठे जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बनाएंगे कटलेट्स। कटलेट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम क्रिस्पी, आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत बढ़िया क्रिस्पी रहते हैं और खाने में भी ये बहुत बढ़िया और हेल्दी रहते हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते और फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे पराठे। तो पराठे के लिए जो बची हुई दाल है वो ले लेंगे, एक कटोरी वो ले लीजिएगा। बची हुई दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, बट अगर आपकी दाल थोड़ी सी पतली है तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे आटा। आटा यहाँ पर हमें 1.5 कप यूज़ करना है। इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन यहाँ पे मैं 1/2 कप यूज़ करी हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप मल्टीग्रेन आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे पिसा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे हम, लाल मिर्च का पाउडर है ये। इसके बाद फिर यहाँ पे हम डालेंगे नमक। तो नमक दाल में भी होता है, तो थोड़ा देख के और अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद फिर इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया को भी अच्छे से धो लें और बारीक चॉप करके इसमें डाल दीजिएगा, ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब लास्ट में इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जो कि है अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरीके से हाथों में मल के वो डाल दीजिएगा। और इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको हम पहले हाथों से मिला लेंगे। अभी हम एकदम से पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि दाल ज़्यादा होती है या दाल थोड़ी सी पतली होती है ना, तो आटा जो है उसका डो ऐसे ही बन जाता है बिना पानी डाले। तो पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एकदम से हमें पानी नहीं डाल देना है। अब जैसे मैंने ये कर लिया, मुझे लग रहा है कि इससे डो नहीं बनेगा, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। पानी भी हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालिएगा आप। तो ये देखिए, अब हमारा बढ़िया सा डो बनके तैयार है। इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ करना है, मीडियम सा रहना चाहिए। अब लास्ट में इसमें ना ऊपर थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, और घी लगाने के बाद इसको फिर से 1-2 बार मल लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, जो पराठे होते हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो ये एक ट्रिक आप अपनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। अब डो हमारा रेडी है, अब इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं, तो अगर आप बिगनर हैं तो ये स्टेप आप बिल्कुल नहीं हटाइएगा। तो यहाँ पे एक लोई लेके पहले तो हम उसको गोल बेलेंगे, ठीक है, जैसे रोटी बेलते हैं ना, बस वैसे ही गोल बेलना है। अब यहाँ पे आपको तिकोना पराठा बनाना है, तिकोना बना सकते हैं, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना सकते हैं। गोल करके इसमें घी लगाएंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर इसको फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड में आप कैसा भी कर सकते हैं, स्क्वायर या तिकोना। अब इसके बाद जब फोल्ड कर लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा और सूखा आटा लगाएंगे, और सूखा आटा लगाने के बाद फिर इसको हम दोबारा से बेल लेंगे। इसके बाद अब तवा गरम करके ये पराठा उसमें हम सेक लेंगे। नॉर्मल तवा ही मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे नॉर्मल रोटी बनाने के लिए होता है। अगर आपके पास नॉनस्टिक हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये पराठे वगैरह चिपकते नहीं हैं तवे में, बट आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसमें कर लीजिएगा। अब पराठे को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लेना है। जब इसमें अच्छे से स्पॉट्स दिखने लगे, फिर उसके ऊपर घी या तेल, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, वो लगाएँ, और वो लगा के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया सा हमारा पराठा एकदम इजी सा बनके तैयार है। इसको थोड़ा सा आप प्रेस कर लीजिएगा, प्रेस करने से क्या होता है, ये अच्छी तरीके से पक जाता है। इसको आप दही, अचार, चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, और बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली अगर आप उनके टिफ़िन बॉक्स में रख के देंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर ये खा लेते हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गई एक रेसिपी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं कटलेट। उसके लिए एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है। उसके बाद फिर एक कटोरी यहाँ पे हम दाल लेंगे, वही वाली बची हुई जो दाल है वो ही आपको यूज़ करनी है। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मसाले। तो भुना हुआ जीरे का पाउडर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम डालेंगे ये लाल मिर्च का पाउडर, इसकी जगह आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। और डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाला भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जाएगा नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, दाल में भी पहले से नमक होगा तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा।
इसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हो सके तो ये बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक काट के प्याज डालना है, और हरा धनिया, चाहे तो हरी मिर्च भी यहाँ साथ में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3/4 कप लेंगे सूजी का, 3/4 होता है हाफ से थोड़ा ज़्यादा और फुल से थोड़ा सा कम, और 1/4 कप यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये दोनों ही चीज़ें डालने के बाद फिर इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आप चाहें, आपके पास अवेलेबल हो, या अगर आपको डालना हो, तो यहाँ पे आप एक उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, बट वो ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं आलू डालना नहीं चाह रही थी, मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा हेल्दी बनेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू नहीं डाला। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हाथ से, और एक टाइट सा डो बना लेंगे जिससे कि हमारे कटलेट आराम से बन जाए। अगर आपकी दाल थोड़ी सी पतली होगी तो मे भी आपको सूजी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़े, या ब्रेड क्रम्स थोड़े से ज़्यादा डालने पड़े, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जब अच्छा सा डो बन जाएगा फिर उसकी हम इस तरीके से जो कटलेट्स हैं वो बना लेंगे। अब शेप आप कैसा भी बना सकते हैं, मैं इसको राउंड जो कबाब वाला शेप होता है ना, मैं इसको वो शेप दे रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। आप चाहें तो ओवल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे, और जब सारे इस तरीके से हम बना लेंगे उसके बाद हम एक पैन में या कढ़ाई में जो तेल है वो गरम करेंगे और उसमें एक एक करके ये डाल देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा तेल डाल के कर रही हूँ, और आप चाहें तो बिल्कुल ही कम तेल में भी इसको कर सकते हैं, या फिर एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर बच्चे घर पे दाल नहीं खाते या कोई दाल नहीं पसंद करते तो आप ऐसे खिला सकते हैं। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत हेल्दी है, चाहे वो सूजी आप कह लो, चाहे वो दाल कह लो, और बाकी सब्जियाँ भी इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हो। अच्छी तरीके से इसको हम कुक करेंगे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन, जब तक ये नहीं हो जाते तब तक कुक करेंगे। और अगर आपको तेल कम डालना है तो मैंने पहले भी बोला है, आप तेल कम भी रख सकते हैं, उसमें भी ये अच्छी तरीके से कुक हो जाते हैं। तो बढ़िया से हमारे यहाँ पे ये कटलेट्स बनके तैयार हैं। जब ये दोनों तरफ से हो जाएंगे फिर इसको निकाल के आप एक प्लेट में रख लीजिएगा, और इसको कोई भी ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो होप ये आज की जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।